लगभग 110 करोड़ के बजट में बनी सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट रिलीज हो चुकी है। फिल्म की कमाई को लेकर जितने कयास लगाए जा रहे थे वो उस पर खरी नहीं उपर पाई है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, 2010 में आई ऋतिक रोशन और बारबरा मोरी स्टार फिल्म काइट्स को ही ले लीजिए, 150 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म फ्लॉप रही थी। वहीं रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा स्टार फिल्म बॉम्बे वेलवेट 125 करोड़ में बनी, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ऑन द मूव गिरी। ऐसी कई फिल्में हैं जो महंगे बजट में बनी फिर भी सुपर फ्लॉप साबित हुई। इस पैकेज में हम आपको बता रहे हैं बॉलीवुड की ऐसी ही 13 और फिल्मों के बारे में जो महंगे बजट में बनी फिर भी फ्लॉप रही।